पार्ट 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियो जब अपने रूम में जाता है तो उसके फ्रेंड्स एक आर्टिकल को पढ़ रहे थे जिसके बारे में इनके स्पोर्ट्स के बारे में गलत गलत लिखा हुआ था कि लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी देखने के लिए नहीं जाता है। तो ये देखने के बाद लियो को गुस्सा आता है और वो अपने ओरिजिनल आईडी से ही उस पर रिपोर्ट कर देता है। और इधर जब बियान चेंग वो साउंड रिकॉर्डर रूम में ला करके सुनता है जो कि लियो के टीम के अपोजिट वाले मैनेजर के पास उसने रिकॉर्ड किया था, तो उसमें वो सुनता है कि वो मैनेजर जो है नेक्स्ट गेम से पहले लियो को पिटवाने के चक्कर में है और इसीलिए उसने कुछ आदमी भी फिक्स किए हैं। वो ये बात बताने के लिए जॉरन को कॉल करता है, लेकिन जॉरन सोचती है कि ये फिर से पगला गया है और उन दोनों को परेशान करने के लिए सब कुछ बोल रहा है। वो उसकी बात ही नहीं सुनती है, अब वो कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या करे, इसीलिए किसी को कुछ बताता भी नहीं है। अगले दिन तांगजो के मॉम डैड उससे मिलने के लिए आए थे। भाई बेटी ने गोल्ड लेकर के आया है, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और इधर तो हमारे लियो का हालत ही ख़राब था कि आखिर तांगजो के डैड उससे क्यों बात करने के लिए आए हैं। भाई वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पे बात करता है, उसके मॉम डैड पूरा उसको भरोसा दिलाते हैं, बेटा तुम ये कर सकते हो, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा बहुत हिम्मत जमा करके जाता है उनसे बात करने के लिए। वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था अभी कि अचानक से तांगजो के डैड को कॉल आता है कि जो आर्टिकल उन्होंने बियानजिंग के साथ मिलकर के रिलीज़ किया था आइस हॉकी के बारे में वो फेक है और लियो के नाम से आईडी ने किसी ने उस पर रिपोर्ट किया है, जिस वजह से उन पर केस वेस चल रहा है। अब बेचारा लियो का तो मुंह ही बन जाता है कि ये इसके डैड ने किया था। ओ बेचारा बुरा फंसता है, वो अपना इमेज बनाने के लिए गया था, हो कुछ और ही जाता है। फिलहाल तो उसके डैड उसे कुछ बोलते नहीं है, वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेचारा लियो परेशान कि उसने अपनी आईडी से क्यों रिपोर्ट किया, और इधर बेचारी तांगजो परेशान कि सब कुछ नॉर्मल क्यों नहीं चल सकता है। इधर जब बियानजिंग को पता चलता है कि लियो ने उसे रिपोर्ट किया और सब उसे फेक रिपोर्टर बोलने लगे हैं, बहुत सारे उसके जो नेक्स्ट प्लान थे वो सब कुछ कैंसिल कर दिए गए हैं, तो वो बिल्कुल पागल जैसा होने लगा है। अकेले रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा था। अगली मॉर्निंग जब अपने ऑफिसर से मिल करके तांगजो के डैड आते हैं तो बताते हैं कि एक्चुअल में उन्हें 3 दिन का सस्पेंशन मिला है, 3 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। थैंक गॉड कि कोई केस वेस नहीं हुआ, जेल वेल नहीं हुआ। वो बियानजिंग को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता है। उनका कहना होता है कि लियो ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने अपने स्पोर्ट का साइड लिया और सच्चाई का साथ दिया। उसकी मॉम बताती है कि जो लियो है और तांगजो के बीच में गड़बड़ चल रहा है तो वो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तांगजो उसे सॉरी वॉरी बोल रही होती है लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसमें लियो का कोई गलती नहीं, उसने बिल्कुल सही किया है, उसने सच्चाई का साथ दिया है। तो फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है। डरते डरते लियो आता है, उनको सॉरी वॉरी बोलता है। उसका टांग खींचने के लिए तांगजो बोलती है, मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला क्या, खड़े रहो चुपचाप। वो बेचारा तो डर ही जाता है। उसके डैड भी बोलते हैं, मुझे तुम्हारा ना शो ऑफ वाला सॉरी नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होगा तो तुम यही करोगे ना। लियो बोलता है, यस सर, नेक्स्ट टाइम अगर फिर से कोई झूठ बोलेगा मेरे स्पोर्ट्स के बारे में तो मैं सच्चाई का ही साथ लूँगा। तो फिर उसके डैड नॉर्मल हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें यही बोलने के लिए आया था, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। अगले दिन जॉरन जो है बियानजिंग से मिलने के लिए जाती है, वो उसे समझाती है कि देखो तुम अपने ऑब्सेशन की वजह से कहां आ चुके हो, वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और तुम तो अपने लाइफ में पीछे ही जा रहे हो, क्या तुमने यही सोचा था। लेकिन बियानजिंग अब सुधरने वाला था नहीं, वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया था। नेक्स्ट सीन में लियो का मैनेजर जब जियांग को बताता है कि लियो के कहने के बाद भी उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में वो नहीं करवा पाया, तो ये जान करके जियांग को बुरा लगता है कि लियो ने उसकी सिफारिश की थी, क्योंकि उसे भी लगता होगा कि शायद जियांग इतना टैलेंटेड नहीं है कि खुद ही नेशनल टीम में वो जा सके। वो लियो से पूछता है कि तुमने मैनेजर को मेरे बारे में बोला था क्या, तो लियो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। लेकिन जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इसका मतलब कि तुमको इतना कैपेबल भी नहीं समझते हो कि हम खुद के बल पर नेशनल टीम में जा सकते हैं। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा चलने लगता है। लेकिन जब दो जिगरी यार होते हैं ना तो ज़्यादा देर तक दोनों के बीच झगड़ा नहीं चल सकता, ये भी फैक्ट है। तो दोनों फिर से जल्दी ही नॉर्मल हो जाते हैं और फिर से लवी डबी हो जाते हैं। अगले दिन जेन को जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ट्रेनर होते हैं वो सब उसे बुलाए होते हैं। जेन को लगता है कि वो लोग क्यों बुला रहे हैं, भाई वो लोग उसे जॉब पर रखने के लिए बुलाए होते हैं। लियो ने पिछली बार जेन के बारे में भी बोला था ना, तो वो लोग उसे जॉब पर रख रहे थे। वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जब युआन की मॉम आती है और उसके ट्रेनर से मिलती है तो वो उसे उसका रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि युआन जो है डिप्रेशन के केस में चल रहा है। लेकिन उसकी मॉम को तो ट्रस्ट ही नहीं होता है, उसे लगता है कि बस वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया है ट्रेनिंग कर करके। वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद जब वो युआन की हरकतों को नोटिस करती है तो उन्हें लगने लगता है कि सच में शायद वो डिप्रेशन के ही केस में चल रहा है।
नेक्स्ट डे जब जिया अपना कंपटीशन का एग्ज़ाम देकर के आती है तो वो उसमें पास कर चुकी थी। और इधर जेन भी उसे बताता है कि उसका मेडिकल डॉक्टर के रूप में सिलेक्शन हो गया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। दोनों काफ़ी खुश थे, सारे दोस्त मिलकर के उन दोनों का सेलिब्रेशन मना रहे थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं फैटी का जो है दिल आ चुका था लियो पे, वो उसे छुप छुप के सबके बीच देख रहा था। तांगजू जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लेस पे लियो को ले जाकर के उसे एक पज़ल गिफ्ट करती है और बोलती है कि ये वाला पज़ल हम लोग कल सॉल्व करेंगे। उससे बात बात में लगता है कि शायद लियो उसे कुछ छुपा रहा है, वो उसे पूछती है तो लियो बोलता है कि पहले हम लोग ये पज़ल सॉल्व कर ले, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। दोनों काफ़ी हैप्पीली इस बात पर रेडी हो जाते हैं। और इधर युआन ने खाना पीना भी छोड़ दिया था, अब उसके मोम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो लास्ट में वो तांगजू को कॉल करती है और सारी बातें बताती है और साथ में ये भी बोलती है किसी को नहीं बोलने के लिए ये बात। तांगजू युआन के घर जाती तो उसकी मोम सारी बात बता दी कि किस तरीके से युआन का हालत ख़राब है, उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है, वो रूम से निकलना भी बंद कर दिया है। वो उसे उसका हेल्प करने के लिए बोलती है क्योंकि कोई और उसका हेल्प नहीं कर पा रहा था, और साथ में ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है क्योंकि इससे उसके करियर पर भी असर पड़ सकता था। तो तांगजू रेडी हो जाती है, वो जाती है युआन से बात करने के लिए। वो धीरे धीरे उससे आराम से बात करने की कोशिश करती है, उसे मोटिवेट करने का कोशिश करती है ताकि थोड़ा बहुत जो है अच्छा लगे युआन को। और इधर बेचारा लियो उसी प्लेस पर वो पज़ल कंप्लीट करने के लिए तांगजू का वेट ही करते रह जाता है काफ़ी टाइम तक। जब तांगजू नहीं आती है तो फिर लियो वहाँ से चले जाता है। काफ़ी देर युआन के साथ रहने के बाद जब तांगजू वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर तो लियो था ही नहीं। अगले दिन तांगजू लियो के पास जाती है, उसे सॉरी वोरी बोलती है और बोलती है कि एक्चुअल में वो अपने फ्रेंड्स के साथ रह गई थी इसलिए कल वो नहीं आ पाई, वो उसे झूठ बोल देती है। तो उसकी बात पे लियो ट्रस्ट कर लेता है, उसे माफ़ भी कर देता है। वो लोग फिर डिसाइड करते हैं आज उसी प्लेस पे मिलने के लिए। लियो से बात करने के बाद तांगजू फिर से जाती है युआन के घर, उसका कंडीशन फिर से वहीं पर था। बस पहली बार जब कल उसने बात किया था तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही थी, लेकिन आज फिर से वही कंडीशन हो गया था। तांगजू फिर उसे जाती है, फिर उसे बात करके मोटिवेट करने का कोशिश करती है। इधर लियो फिर से तांगजू का वेट करते रह जाता है, तांगजू फिर से नहीं आ पाती है, उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। और हमारे बियानचिंग भाई साहब को भी ना चैन नहीं था, वो लियो को लेकर के इतना ज़्यादा इरीटेट हो चुका था कि अब उसने उसके बारे में फिर से झूठी झूठी छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के आर्टिकल्स लिख देते हैं। जैसे कि उसने शुरुआत में तांगजू को झूठ मूठ का फंसाया था कि उसे इतने सारे पैसे देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करवाता था, तो वही सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्टिकल लिख देता है लियो को फुल फ्री फोकट का ही बदनाम करने के लिए। अगले दिन तांगजू फिर से जाती है लियो को सॉरी बोलने के लिए, लेकिन इस बार वो पहले से ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे पूछता है कि तुम उससे कुछ छुपा तो नहीं रही ना। तांगजू बेचारी चाह के भी उसे नहीं बता पाती, उसे झूठ बोलना पड़ता। वो बोलती है कि नहीं, बस कुछ दिन की बात है, मैं एक्चुअल में थोड़ी बिजी हो जा रही हूँ इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो फिर तांगजू को क्या करता है, वो माफ़ कर देता है। जिया को डाउट हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड जैन उस पर चीट कर रहा है क्योंकि वो उसके क्लासरूम के बाहर से किसी और से बेबी बेबी करके बात करते हुए सुनती है। वो तो शुरुआत में अपने रूम में जाकर के रोने लगती है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाली तो थी नहीं। कल वो उसको फॉलो करती है और जब वो फिर से अपने रूम में किसी से बात कर रहा था तो अचानक से उस पर अटैक कर देती है। रूम के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो किसी और से नहीं पुतलों से बात कर रहा था। जैन बोलता है कि हमारी जो डॉक्टर है उसने कहा है कि इन पुतलों से जल्दी ही यूज टू हो जाने के लिए, इसीलिए मैंने इनका नाम बेबी रख दिया है ताकि मैं जल्दी इनके बॉडी पार्ट्स याद कर सकूं और मुझे भी थोड़ा टेंशन कम हो। वो तो बेचारी एम्बेरस ही हो जाती है कि उसने बेकार में ही जैन पे डाउट किया। बार बार मिलने नहीं आ पाने पे लियो को डाउट होता है कि आखिर तांगजू जाती कहाँ है। तांगजू को फॉलो करने पे उसे पता चलता है कि तांगजू जो है युआन के घर जा रही है। और ये चीज़ देखने के बाद तो बेचारे लियो का तो दिल पूरा टूट करके छोटे 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 पीसेस में ब्रेक हो जाता है। वो तांगजू को कॉल करता है और पूछता है कि कहाँ हो तुम, अपने फ्रेंड्स के साथ हो। तांगजू तो नॉर्मली झूठ बोल देती है कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। अब लियो कन्फर्म हो जाता है कि वो उसे झूठ बोल रही है। अब बेचारा क्या ही कर सकता था, सोचने लग जाता है कि आखिर उसने क्यों उससे झूठ बोला, वो उससे बिना मिले वहाँ से चले जाता है। इधर युआन की मोम और तांगजू दोनों बात कर रहे थे युआन के बारे में। उसकी मोम बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताती है और उन्हें भी अफसोस हो रहा था कि शायद उन्होंने युआन पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया है और उसकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा था। उसे भी बहुत सारी बातें अफसोस हो रही थी और इन दोनों को बात करते हुए युआन जो है छुप करके सुन रहा था और उसका मूड भी ये सब बात सुन करके चेंज हो रहा था। वहाँ से जब तांगजू निकलती है तो लियो से मिलने के लिए जाती है। वो तो खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद
बाद लियो बोलता है कि आई थिंक कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अब हमारे रिलेशन में ट्रस्ट नहीं रह गया है तो हम दोनों का साथ रहना भी बेकार है। थांगजू को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब लियो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है तो वो भी गुस्से में उसका दिया हुआ नेकलेस उस पर फेंक करके चली जाती है। दोनों चुपचाप से अपने अपने रूम में जाते हैं। लियो भी काफ़ी सैड था, उसके दोस्त को भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ ही है। थांगजू भी अपने रूम में जाती है तो रोने लगती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है कि उसने और लियो ने ब्रेकअप कर लिया है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें बिना चाहे भी करना पड़ता है। वैसे ही थांगजू को फिर अगले दिन युआन से मिलने जाना होता है। वो काफ़ी सैड थी। वहाँ जाने के बाद युआन उससे बात करता है और फाइनली वो अपनी मन की फीलिंग उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन थांगजू उसे डायरेक्टली बोलती है कि वो सिर्फ लियो से प्यार करती है। तो फिर युआन उसे बोलता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे आंसर दो, मैं जानता हूँ कि तुम लियो से प्यार करती हो, लेकिन मुझे तुम्हें ये बात बता करके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और तुम चाहो तो कल से नहीं आ सकती हो क्योंकि अब मेरी मॉम मेरी साथ है और मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। तो फिर ये सब बात जानने के बाद थांगजू जाती है लियो से मिलने के लिए, लेकिन लियो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो तो उससे बात तक नहीं करता है। अगले सीन में फेई जो है अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठ करके खा रही थी। सामने बोर्ड लिखा था, जिन लोगों को मन होता था अपना कुछ ना कुछ वहाँ पर थॉट्स लिख दिया करते थे, तो एज यूजुअल वो भी अपना थॉट वहाँ जाकर के लिख रही थी। तभी उसका पहले का एक लिखा हुआ थॉट नीचे गिरता है। जब वो उठाती है तो उसे देखती है कि उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। आखिर ये किसने किया था और क्या आगे लियो और थांगजू दोनों एक हो पाएंगे, जानेंगे हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।